Very good morning, guys. Guys, in this lecture, we are going to cover remaining questions of this marginal costing topic. Boys and girls, आइएगा question number 91 solve करते हैं. These are all recently added questions. So guys, mock test का या फिर RTP के ये सारे questions हैं. आइएगा, let's work out question number 91. Company manufactures and sells three types of mobile handset. It also manufactures a wireless charger for the mobile. Okay, means company manufacturing four products. Three are mobiles and one is mobile wireless charger. Okay. The company has worked out the following estimation for the next year. X5, X6, X7 wireless charges, annual demand, selling price, material cost, labor cost per unit. To encourage the sale of wireless charger, a discount of 10% in its price is being offered if it were to be purchased along with the mobile. Please, aapko underline karna hai is line ko. Ji haan, sab log underline kijiyega. गाइज, वायरलेस चार्जर्स का जो सेल है वो इंक्रीज करने के लिए हम लोगों ने डिस्काउंट दिया है. जो लोग मोबाइल परचेस करेंगे उसके साथ अगर वायरलेस चार्जर भी परचेस करते हैं तो वायरलेस चार्जर का जो प्राइस है उस पे 10% का डिस्काउंट मिलेगा. इट इज एक्सपेक्टेड दैट द कस्टमर बाइंग मोबाइल विल ऑल्सो बाय द वायरलेस चार्जर. ओके, जितने कस्टमर मोबाइल परचेस करे ऑब्वियसली वायरलेस चार्जर्स भी परचेस कर रहे हैं. द कंपनीज फैक्ट्री हैज एन इफेक्टिव कैपेसिटी ऑफ 35,000 लेबर आवर्स. Capacity is limited, 35,000 labor hours. The labor is paid at 500 per hour. Overtime labor has to be paid double the normal rate. Other variable costs work out to 50% of direct labor cost. Fixed cost is 1 crore. There will be no inventory at the end of the year. Prepare a statement of profitability. Ji haan, aapko jo hai, profitability statement jo hai, wo prepare karna hai. Right, guys? So, गाइज, किधर भी क्वेश्चन के अंदर आपको ऑप्टिमम मिक्स वगैरह नहीं पूछा है, ऑप्टिमम प्रॉफिट नहीं पूछा है, बस आपको एक ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी पूछा है. अगर हमारा क्वेश्चन ऑप्टिमम मिक्स का रहता था, अगर क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे 35,000 आई थिंक सो आपके अवर्स लिमिटेड है, तो अगर ऑप्टिमम मिक्स का क्वेश्चन रहता था तो हम लोग कैसे सॉल्व करते थे? एकदम सिंपल रहता था. कॉन्ट्रीब्यूशन सबसे पहला स्टेप है, कॉन्ट्रीब्यूशन पर लेबर आवर सेकेंड स्टेप है, रैंकिंग आएगा, ऑप्टिमम मिक्स आएगा, ऑप्टिमम प्रॉफिट आएगा. हालांकि यहाँ पे ऑप्टिमम मिक्स ऑप्टिमम प्रॉफिट नहीं पूछा है डायरेक्टली, हमें एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी पूछा गया है. सो लेट्स वर्क आउट दैट. सबसे पहले हम लोगों को ये चेक करना पड़ेगा कि अवर्स कितना ओवरटाइम करना पड़ेगा. ओके, कितने ओवरटाइम अवर्स आएगा वो हम लोग चेक करते. नाउ गाइस, बॉयज एंड गर्ल्स, 35,000 जो है वो लेबर आवर्स अपने पास अवेलेबल है और लेबर को क्या रेट से पे किया जा रहा है? अगर आप देखेंगे 500 रुपीज पर आवर के हिसाब से आपको लेबर को पेमेंट करने का है, 500 पर आवर के हिसाब से पेमेंट करना है. सो गाइज, अगर मैं चेक करूं X5 का, आप प्लीज लास्ट कॉलम भी चेक कीजिएगा साथ में. X5 का आप प्लीज लास्ट कॉलम भी चेक कीजिएगा. लेबर कॉस्ट दिया है 1,000, है ना, एक यूनिट के लिए, एक आवर के लिए, आई एम सॉरी. लेबर को कितना पेमेंट किया जाता है, अंडरलाइन कर रहा हूं, 500 पर आवर का पेमेंट किया जा रहा है. इसका मतलब गाइस, X5 के लिए 1000 का लेबर पेमेंट किया हुआ है, यानी 2 आवर्स जो है वो मुझे लगा हुआ है. नेक्स्ट वन, X6 के लिए 1500, इसका मतलब गाइस 3 आवर्स जो है वो वहां पे लगा हुआ है. X7 अगर मैं चेक करता हूं, 2000 डिवाइडेड बाय 500, एक आवर के लिए 500, 2000 ओवरऑल यू हैव पेड, तो 4 आवर्स का जो है वो पेमेंट किया गया है. एंड गाइज, 200 रुपीज डिवाइडेड बाय 500 गाइज 0.4 आवर्स जो है, 0.4 आवर्स आपको लगेगा. सही है एकदम, एवरीवन गॉट दिस गाइज? चलिएगा. सो अब हम लोग चेक करेंगे कि गाइज, बॉयज एंड गर्ल्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, आवर्स कितना अवेलेबल है और कितने आवर्स का जो है वो हमें ओवरटाइम करना पड़ेगा, क्योंकि ओवरटाइम आपको डबल द नॉर्मल रेट पे करना है. एक बार हम लोग है ना चेक कर लेते हैं क्या एक्स्ट्रा आवर्स तो नहीं लग रहा है. लेट्स चेक दैट. 5000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 2 मेमोरी प्लस, 4000 मल्टीप्लाइड बाय 3 मेमोरी प्लस, 3000 मल्टीप्लाइड बाय 4 मेमोरी प्लस, 15000 मल्टीप्लाइड बाय 0.4 मेमोरी प्लस. जी हाँ गाइज, वी नीड 40,000 आवर्स. अगर मैं चेक करो गाइज, हमें जो है वो 40,000 आवर्स लग रहा है, लेकिन अवेलेबल आवर्स आर ओनली 35,000, तो 5000 घंटे का जो है वो हमें ओवरटाइम करना पड़ेगा, जिसमें डबल द नॉर्मल रेट जो है वो पे करना पड़ेगा. चलेगा. सो लेट्स वर्क आउट गाइस. वर्किंग नोट नंबर 1, ओवरटाइम आवर्स.
जी हाँ, वर्किंग नोट नंबर वन, ओवर टाइम आवर्स हमें कैलकुलेशन करना है, आवर्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन. जी हाँ, आवर्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन X5, X6, उसके बाद है आपका X7 एंड वायरलेस चार्जर. राइट है, पूरा हम लोग कैलकुलेशन दिखाएंगे. आपका जो आउटपुट है, एनुअल डिमांड है 5000, 4000, 3000, 5000, 4000, 3000. जी हाँ, 5000, 4000, 3000 एंड आगे था आपका 15000, मल्टीप्लाइड बाय मल्टीप्लाइड बाय मल्टीप्लाइड बाय मल्टीप्लाइड बाय. गाइज वो आवर्स का कैलकुलेशन भी मैं बता रहा हूँ आपको, बाद में दिक्कत नहीं जानी चाहिए. सो 1000 डिवाइडेड बाय 500, नेक्स्ट वन 1500 डिवाइडेड बाय 500, आई थिंक सो अगला 2000 है. जी हाँ, सो 2000 का पेमेंट किया, 1 घंटे के लिए 500 का पेमेंट करते तो 4 घंटा लगेगा. 200 रुपये का पेमेंट किया, राइट है, इज इट? जी हाँ, 200 रुपये का पेमेंट किया, 1 घंटे के लिए 500 का पेमेंट करते हैं तो अकॉर्डिंगली आपका जो है वो आंसर आएगा. सो 5000 × 2, पहले प्रोडक्ट के लिए 10,000 आवर्स लगा, लिखा आपने. 4000 मल्टीप्लाई बाय 3, गाइज 12,000 आपने लिखा. 3000 मल्टीप्लाइड बाय 4, गाइज अगेन आई थिंक सो 3000 मल्टीप्लाइड बाय 4, 12,000. देन पॉइंट 6000 आई थिंक सो मेरा जो है वो आंसर आ रहा है. जी सो मैं चेक कर रहा हूं टोटल आवर्स. सो 12,000 प्लस 12,000, 24 प्लस 6, 30 प्लस 10, 40,000 जो है वो मुझे आवर्स लग रहा है अवेलेबल, नॉर्मल आवर्स. आगे मैं लिख रहा हूं नॉर्मल आवर्स. जी हाँ मालिक, नॉर्मल आवर जो है वो 35,000 अवेलेबल है. देयर फोर ओवर टाइम के जो आवर्स है वो आएंगे मेरे 5000. जी हाँ, 5000 आवर्स का जो है वो मुझे ओवर टाइम करना पड़ेगा. ठीक है, अब बस हमें प्रॉफिटेबिलिटी पूछा है, लेट्स वर्कआउट दैट प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट. ये हो गया आपका, सब लोगों ने लिख लिया गाइस, चलेगा. सो राइट डाउन प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट, बी केयरफुल. जितने लोगों ने मोबाइल परचेस किया एग्जैक्टली वो सारे लोगों ने जो है वो वायरलेस चार्जर भी परचेस किया हुआ है. लेट्स वर्कआउट गाइस प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट. फटाफट से, सबसे पहले आई राइट देयर सेल्स, सबसे पहले आई राइट देयर सेल्स X5, X6, X7 एंड वायरलेस चार्जर. फाइव थाउजेंड, फोर थाउजेंड, थ्री थाउजेंड, चलो 5000, अब 4000 एंड 3000. बी केयरफुल, बी केयरफुल गाइस. वायरलेस चार्जर, जितने लोगों ने मोबाइल परचेस किया उन्होंने वायरलेस चार्जर डिस्काउंट के साथ परचेस किया रहेगा, तो वायरलेस चार्जर्स का जो सेल्स है वो दो पार्ट में डिवाइड करूंगा, एक विथ डिस्काउंट आएगा और एक विदाउट डिस्काउंट आएगा. सो विथ डिस्काउंट कितना आएगा, 4000 प्लस 5000 प्लस 3000, इन सब का मैंने एडिशन कर लिया गाइस. आपका जो आंसर आता है 12,000. सो 12,000 जो है वो वायरलेस चार्जर डिस्काउंट के साथ बेचा गया. वायरलेस चार्जर्स का जो सेलिंग प्राइस है वो 1500 है और डिस्काउंट किधर गया, कहा गया, कहा गया 10% का डिस्काउंट मिलता है, 150 का डिस्काउंट मिलेगा, यानी 1350 से बेचा गया. प्लस गाइस कुल मिला के टोटल कितना सेल किया है वायरलेस चार्जर, 15,000 सेल किया है. 12,000 विथ डिस्काउंट सेल किया है तो 3,000 विल बी विदाउट डिस्काउंट. सो 3,000 मल्टीप्लाई बाय 1,500. आगे ग्रेट, आगे चेक करेंगे सेलिंग प्राइस है 8912, 8,000, 9,000 एंड नेक्स्ट वन विल बी 12,000. चलिएगा, ओके आई होप सो यहां तक आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है. कितना आंसर है चेक कीजिएगा. हाँ जी, सो 5000 मल्टीप्लाई बाय 8000, 40 लाख रुपए या 4 करोड़, एक बार चेक करो कितना आ रहा है, 40 लाख या 4 करोड़ है, 3, 2, 4 करोड़ है मालिक, बहुत अमीर कंपनी है. जी हाँ, 4000 मल्टीप्लाई बाय 9000, 3 करोड़ 60 लाख.
3000 मल्टीप्लाई बाय 12000, अगेन 3 करोड़ 60 लाख, 12000 मल्टीप्लाई बाय 1350 मेमोरी प्लस कर दिया, 3000 मल्टीप्लाई बाय 1500 मेमोरी प्लस कर दिया, मेमोरी रिकॉल 2 करोड़ 70 लाख, सॉरी 2 करोड़ 7 लाख, जी गाइस 2 करोड़ 7 लाख इनका एडिशन लीजिएगा। ₹13 करोड़ 27 लाख, जी हाँ 13 करोड़ 27 लाख रुपीस का जो है वो मेरा टोटल सेल्स आ गया। इस सेल्स में से जो है वो मैं लेस करूंगा कॉस्ट, फटाफट से जल्दी जल्दी से कॉस्ट का कैलकुलेशन कीजिएगा गाइस, बहुत ज्यादा सिंपल है। सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट हम लोग कंसीडर करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट कंसीडर करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट के अंदर गाइस सब दिया हुआ है, मटेरियल है, लेबर है ना। सो गाइस आएगा आपका मटेरियल का कॉस्ट, फटाफट से मटेरियल की कॉस्ट के अंदर अगर आप चेक कर पाएंगे, X5, X6, X7 वायरलेस चार्जर, जी हाँ गाइज क्वांटिटी आपको पता है विच इज नथिंग बट 5000, 4000 एंड 3000 एंड 15000 मल्टीप्लाइड बाय मटेरियल का प्राइस पर यूनिट आपको दिया हुआ है। मटेरियल का प्राइस पर यूनिट है 2000, 2500, 3000, जी हाँ 2000, 2500 है, आगे है 3500 है, एंड वायरलेस चार्जेस के अंदर है ₹300 का मटेरियल, चलेगा ₹300 का मटेरियल वायरलेस चार्जेस के अंदर इंक्लूडेड है। बढ़ेंगे आगे, चलेगा फटाफट से 5000 मल्टीप्लाई बाय 2000 गाइज, इनर कॉलम के अंदर सपोज मैंने लिख दिया 1 करोड़, 4000 मल्टीप्लाई बाय 2500, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अगेन 1 करोड़ रुपीज का जो है वो मटेरियल सेकेंड पार्ट में लग गया, 3000 मल्टीप्लाई बाय 3500 1 करोड़ 5 लाख रुपीज का मटेरियल लग गया, 15000 मल्टीप्लाई बाय 300, अगर मैं 300 या 200 है, 300 है मटेरियल की कॉस्ट, चलेगा 300 से मल्टीप्लाई करेगा 45 लाख रुपीज का जो है वो मेरा आंसर आएगा। आउटर कॉलम के अंदर ग्रैंड टोटल मैंने लिया 3 करोड़ 50 लाख रुपए का, आउटर कॉलम के अंदर आंसर आ रहा है, इज इट करेक्ट गाइस? जी हाँ एक बार चेक करो गाइस, मैंने शायद 3500 कहाँ से लिया, यहाँ पे तो 3000 दिया हुआ है। ओके थैंक्स फॉर इन्फॉर्मिंग, जी हाँ यू हैव टू मल्टीप्लाइड बाय 3000, सो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा 90 लाख रुपीज का, एक बार चेक कीजिएगा बराबर है क्या। सो 2 करोड़ 90 लाख, 2 करोड़ 90 लाख प्लस 45 लाख, सर मेरा आंसर 3 करोड़ 35 लाख आ रहा है, जी हाँ प्लीज आप चेक कीजिएगा 3 करोड़ 35 लाख, इज इट करेक्ट और नॉट, अब आप चेक कीजिएगा, वो गलती से 3500 लिख दिया था, 3000 × 3000 आना चाहिए था वहां पे। लेबर कॉस्ट X5, X6, X7 एंड वायरलेस चार्जर, ऊपर ऑलरेडी मैंने लेबर कॉस्ट लिख के रखा हुआ है, अच्छा वो पहले वाले नोट्स में था, चलो ठीक है कोई बात नहीं, 5000 मल्टीप्लाई बाय 5000, 4000, 3000 एंड 15000 मल्टीप्लाइड बाय मल्टीप्लाइड बाय मल्टीप्लाइड बाय मल्टीप्लाइड बाय, आई थिंक सो यहाँ पे 1000 था, यहाँ पे 1500 है, यहाँ पे 2000 था और यहाँ पे ₹200 था शायद, लेट्स चेक दैट, 1000, 1000, ए दर्शन 1000, 1500, 2000 एंड 200, एकदम परफेक्ट है गाइस, जी सो 5000 मल्टीप्लाई बाय 1000 दर्शन, उसके लिए कैलसी यूज कर रहे तू, 50 लाख, 4000 मल्टीप्लाइड बाय 1500 60 लाख, 3000 मल्टीप्लाई बाय 2000 अगेन 60 लाख, 1500 मल्टीप्लाई बाय 200 33 लाख ओनली, आउटर कॉलम के अंदर अगर मैं चेक करता हूं 17,30,000 जो है वो मेरा आंसर है, बराबर चेक करो, पिछली बार मैंने गलती किया था, यहां पे बराबर है या नहीं एक बार चेक कीजिएगा, 1 करोड़ 73 लाख, 17,30,000 नहीं,
लेना है लेना है भाई, ओवर टाइम भी लेना है, इसमें ले लूं? ठीक है, यहां पे लिख लो गाइस, ओवर टाइम वर्किंग नोट नंबर वन चेक कीजिएगा, वर्किंग नोट नंबर वन चेक कीजिएगा, 5000 आवर्स का आपने जो है वो ओवर टाइम किया हुआ है, 5000 आवर्स का जो है वो आपने ओवर टाइम किया हुआ है मल्टीप्लाइड बाय, ओवर टाइम को डबल द नॉर्मल रेट है, लेकिन नॉर्मल ऑलरेडी इसके अंदर कवर हो चुका है, एक्स्ट्रा कितना पे करना है वो आपको देखना है, नॉर्मल ऑलरेडी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके नॉर्मल वेज रेट आ गया है, 5000 घंटे मल्टीप्लाइड बाय 1 आवर के लिए किधर गया भाई, 500 रुपए का पेमेंट है, सो 500 ओवर टाइम का जो है वो 25 लाख मेरे हिसाब से यहाँ पे आंसर आ रहा है, 25 लाख। तीस लाख है, ठीक है, 50 लाख, 60 लाख, 60 लाख, 30 लाख, 25 लाख। बॉयज प्लीज आप चेक कीजिएगा आंसर, कुछ तो गड़बड़ किया हुआ है जी गाइस, एक बार चेक कीजिएगा, टोटल टोटल चेक करो, बराबर है कैलकुलेशन, कितना आ रहा है, 2 करोड़ 25 लाख, सर जी इंस्टीट्यूट ने जो है वो यहां पे इसका अगर आप सजेस्टेड आंसर देखेंगे तो इन्होंने बिल्कुल गलती किया हुआ है, क्या गलती किया हुआ है मैं वो विथ प्रूफ आपको बता देता हूं गाइस, देखिएगा आपने कुल मिला के कितने आवर्स का पेमेंट किया है, इज इट 40,000 आवर्स का पेमेंट किया है, जिसमें से 35,000 आपके नॉर्मल आवर्स है और 5,000 आपके ओवर टाइम आवर्स है, मैं मेरा जो आंसर है वो प्रूफ करके बता रहा हूं, इंस्टीट्यूट ने जो गलती किया है वो आपको समझना चाहिए गाइज, आप चेक करेंगे ये जो 35,000 है उसको मैं 500 रुपीज पर आवर से पेमेंट करूंगा, और ये जो 5,000 है वो डबल द नॉर्मल रेट, ऐसा बोला है ना गाइज, ओवर टाइम लेबर इज टू बी पेड एट डबल द नॉर्मल रेट, यानी जो 5,000 आवर्स का ओवर टाइम है वहां पे आपको 1,000 से पेमेंट करना पड़ेगा, 500 नॉर्मल है, डबल द नॉर्मल रेट विल बी 1,000, सो बच्चों लेट्स चेक दैट, 35,000 मल्टीप्लाइड बाय 500 अगर मैं करता हूं तो 1 करोड़ 75 लाख आंसर आ रहा है, 1 करोड़ 75 लाख जो है वो मेरा आंसर आ रहा है, देन 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 1,000 अगर मैं करता हूं तो 50 लाख जो है वो मेरा आंसर आ रहा है, इसका अगर मैं टोटल लेता हूं तो टोटल बरोबर से 2,25,000 आता है, 2 करोड़ 25 लाख आता है, इंस्टीट्यूट ने गलती किया है यहां पे, और गलती से यहां पे क्या किया, 5,000 यानी यहां पे ये जो ओवर टाइम के आवर्स है 500 आवर्स जो है वो ओवर टाइम के, उसको उन्होंने 1,000 से मल्टीप्लाई किया है जो गलत है गाइस, रीजन इज दैट ऑलरेडी पूरी क्वांटिटी प्रोड्यूस करने की कॉस्ट हमने ऑलरेडी ले लिया है, नॉर्मल लेबर कॉस्ट इसमें इंक्लूडेड है, आप ध्यान से देखिएगा गाइस, पूरा जितना भी हमने प्रोडक्शन किया हुआ है उसका नॉर्मल लेबर कॉस्ट इसके अंदर इंक्लूडेड है, बस इसके अंदर ओवर टाइम इंक्लूड नहीं है, प्रीमियम इंक्लूड नहीं है, तो प्रीमियम हमने अलग से दिखाया है, और मैंने आपको ये क्रॉस चेक भी करवाया है, तो 2 करोड़ 25 लाख आंसर आता है, इंस्टीट्यूट ने गलती से यहां पे जो आंसर दिया हुआ है वो दिया हुआ है इसमें, और उन्होंने जो है 25,000 ऐड किया, 2 करोड़ 50 लाख ऐसे कुछ तो भी आंसर दिया जो बिल्कुल गलत है, मैंने क्रॉस चेक करके आपको आंसर जो है वो बता दिया है, वापिस एक बार एक्सप्लेन करता हूं गाइज, ये जो लेबर कॉस्ट लिया है ये पूरे प्रोडक्शन का सर, जितनी हमारी डिमांड थी उतना हमने जो नॉर्मल लेबर कॉस्ट है वो ऑलरेडी इसके अंदर कंसीडर है, इसके अंदर फिर कंसीडर क्या नहीं है, ओवर टाइम का जो प्रीमियम है वो इसके अंदर कंसीडर नहीं है, तो प्रीमियम हमने अलग से दिखा है, प्रीमियम क्या रहता है, नॉर्मल के ऊपर जो आपने पेमेंट किया रहेगा वो प्रीमियम है, तो गाइज 500 रुपीज का प्रीमियम अलग से मैंने दिखाया है, और क्रॉस चेक भी किया हुआ है, आपको अगर वो लिखना है तो बिल्कुल आप वो लिख सकते हैं, क्रॉस चेक वाला आइटम, क्रॉस चेक वाला पॉइंट आप लिख ही सकते हो गाइस,
35,000 इंटू 500 एंड 5,000 इंटू 1,000, ऐसा मिला कि 2,25,00,000 रुपए का पेमेंट होना चाहिए, जो एब्सोल्युटली करेक्ट मैंने यहाँ पे किया हुआ है। इंस्टीट्यूट का आंसर, गलती हुई है इंस्टीट्यूट से अगर आप इसका सजेस्टेड आंसर देखेंगे तो। चलेगा, लेबर के बाद आएगा हमारा अगला वेरिएबल ओवरहेड दिया हुआ है। वेरिएबल ओवरहेड कितना दिया हुआ है, 50% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। ओके जी हाँ, वेरिएबल ओवरहेड 50%। एक करोड़ 12,50,000, जी हाँ, 1,12,50,000 का जो है वो मेरा वेरिएबल ओवरहेड से आ रहा है। कंट्रीब्यूशन लीजिएगा कितना है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट विल बी योर कंट्रीब्यूशन भाई साहब, 13,27,00,000 माइनस 3,35,00,000 माइनस 2,25,00,000 माइनस 1,12,50,000, बच्चों 6,54,50,000 आंसर आ रहा है। चलिए, इसमें से फिक्स कॉस्ट लेस करेगा, फिक्स कॉस्ट डायरेक्टली क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, 1 करोड़ रुपए का फिक्स कॉस्ट है। आपका जो प्रॉफिट बनेगा वो प्रॉफिट आ रहेगा इस 5,54,50,000। सजेस्टेड आंसर के साथ मैच नहीं होगा, दो जगह पे डिफरेंस आएगा। एक ये लेबर कॉस्ट 2,25,00,000 की जगह पे इंस्टीट्यूट ने 2,50,00,000 लिया है, तो वेरिएबल ओवरहेड उन्होंने 2,50,00,000 का 50% यानी 1,25,00,000 लिया है। तो गाइज डिफरेंस कितने का आएगा आंसर के अंदर, 12,50,000 वेरिएबल ओवरहेड के अंदर डिफरेंस आएगा एंड लेबर के अंदर 25,00,000 रुपए का डिफरेंस आएगा। सो उनका आंसर और हमारे आंसर के बीच में 37,50,000 का डिफरेंस आएगा। तो उनका 5,17,00,000 ऐसे कुछ तो भी आंसर है, 5,17,00,000 ऐसे कुछ तो भी आंसर है, आप चेक कर सकते हो, और पॉइंट मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। चलिएगा, बढ़ेंगे आगे। सो 91 हमने सॉल्व कर लिया है, आइएगा फटाफट से क्वेश्चन नंबर 92 के ऊपर। अगेन मॉक टेस्ट नंबर, पेपर नंबर 1, May 22, इसमें ये पूछा गया था, आइए। एट बजेटेड एक्टिविटी ऑफ 80% ऑफ द टोटल कपैसिटी कंपनी अर्न्स पीवी रेशियो, अंडरलाइन कीजिएगा, 30% प्रॉफिट ऑफ 15% ऑफ टोटल सेल्स, चलो सेल्स के 15% प्रॉफिट है। ड्यू टू कोविड पैंडेमिक रिजल्टिंग इन अ पुअर डिमांड द कंपनी हैज टू रिड्यूस इट सेलिंग प्राइस बाय 10%, कंपनी ऑल्सो एबल टू अचीव प्रोडक्शन एंड सेल वॉल्यूम फॉर द ईयर इक्विवेलेंट टू 50% ऑफ द टोटल कैपेसिटी। चलिएगा, द सेल्स वैल्यू एट दिस लेवल वॉज 27 लैक्स, वेरी गुड सर जी, अगले साल का हमें सेल्स वैल्यू दिया हुआ है 27 लैक्स एट अ रिड्यूस प्राइस ऑफ ₹18। अच्छा जी, 18 रुपए का सेलिंग प्राइस है आपका, चलो ठीक है, नेक्स्ट वन। सो 10% से सेलिंग प्राइस कम हो गया, यानी पिछले साल का सेलिंग प्राइस विल बी ₹20, पैंडेमिक के पहले वाला सेलिंग प्राइस ₹20, 10% यानी ₹2 कम होकर आपका आंसर ₹18 आएगा। सो ड्यू टू रिडक्शन इन प्रोडक्शन एंड एक्चुअल वेरिएबल कॉस्ट, सॉरी, ड्यू टू रिडक्शन इन प्रोडक्शन एक्चुअल वेरिएबल कॉस्ट वेंट अप बाय 5% ऑफ द बजट। चलो, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी एट द बजट एंड एक्चुअल एक्टिविटी, बजटेड एंड एक्चुअल प्रॉफिट फाइंड करना है। फाइंड द पीवी रेशियो, ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीज एंड यूनिट्स ऑफ द एक्चुअल सेल्स एक्टिविटी। चलेगा गाइस, मॉक टेस्ट पेपर नंबर 1, May 22, ये फाइनल, ये मेरे इसके लिए था, फाइनल का ऐसा कुछ वहां पे ये नहीं है। ठीक है गाइस, एक आधा मिनट देता हूं, क्वेश्चन वापस एक बार पढ़िएगा, ओवर टू यू गाइस, बस एक आधा मिनट लीजिएगा।
जी अगर इस पढ़ा आपने बच्चों, हमें एक्चुअल सेल्स दिया हुआ है 27 लाख का, सेलिंग प्राइस दिया है 18 रुपीज का, और गाइस 50% कैपेसिटी का ये जो सेल है, बजेटेड कैपेसिटी 80% है यूटिलाइजेशन। तो गाइस एक काम करते हैं, सिंपली हम लोग सबसे पहले एक्चुअल कितना क्वांटिटी सेल किया वो फाइंड करते हैं, जो 50% ऑफ योर कैपेसिटी है, पढ़ा आपने बराबर से, फिर हमारा बजेटेड आ जाएगा 80%। सो लेट्स सी गाइज, राइट डाउन स्टेटमेंट शोइंग कैपेसिटी या फिर स्टेटमेंट शोइंग प्रोडक्शन। स्टेटमेंट शोइंग प्रोडक्शन, स्टेटमेंट शोइंग प्रोडक्शन। चलो लिखो गाइस, एक्चुअल सेल्स रुपीज टर्म्स के अंदर अगर आप चेक कर पाएंगे, आपका जो एक्चुअल सेल्स दिया किधर है, किधर किधर है, किधर है, एक्चुअल सेल्स वॉज 27 लाख, ठीक है, लिख दिया मालिक जी, हाँ एक्चुअल सेल्स इज 27 लाख, एक्चुअल सेलिंग प्राइस इज ऑल्सो गिवन। आई थिंक सो 18 रुपीज वॉज योर एक्चुअल सेलिंग प्राइस, जी हाँ एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी डिवाइड कर लीजिएगा मालिक, आएगा आपका एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी 2,70,000, 27 लाख से आई थिंक सो, जी हाँ 27 लाख डिवाइडेड बाई 18 अगर मैं करता हूँ तो 1,50,000 जो है वो मेरा एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी, जो आपकी कैपेसिटी का 50% है, देयरफॉर टोटल कैपेसिटी, देयरफॉर आपका जो टोटल कैपेसिटी आएगा वो आएगा 1,50,000 डिवाइडेड बाय 50% बच्चों, 3 लाख क्वांटिटी का जो है मेरा टोटल कैपेसिटी आएगा, बजेटेड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन वाज 80%। बजेटेड कैपेसिटी वाज 80%, सो बॉयज एंड गर्ल्स बजेटेड वाज 3 लाख मल्टीप्लाइड बाय 80%, 2,40,000 क्वांटिटी जो है वो आपका बजेटेड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन था, 2,40,000। सर एक काम करते हैं, इसके अंदर ही एक हम लोग सेलिंग प्राइस भी वर्कआउट कर लेते हैं, बजेटेड सेलिंग प्राइस, भाई सर पैंडमिक की वजह से आपने सेलिंग प्राइस 10% से रिड्यूस कर दिया, तो गाइज सपोज 100 रुपीज आपका सेलिंग प्राइस था तो वो 90 हो गया, तो भाई साहब हमारा 18 रुपीज एक्चुअल है, तो एकदम सिंपल है, 18 डिवाइडेड बाय 90% गाइज बॉयज एंड गर्ल्स मेरा जो सेलिंग प्राइस आएगा वो आएगा 20 रुपीज, बरोबर है 20 रुपीज, परफेक्ट है गाइस। और आगे बहुत सारा डेटा आपको दिया था, पीवी रेशियो 30% दिया हुआ है ना, पीवी रेशियो 30% दिया है, ये यानी बजेटेड वेरिएबल कॉस्ट, जी हाँ बच्चों बजेटेड वेरिएबल कॉस्ट विल बी 20 मल्टीप्लाइड बाय 30% पीवी रेशियो, ओए दर्शन 70% आएगा मालिक, सॉरी सॉरी सॉरी, 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो इक्वल टू पीवी रेशियो, 1 माइनस पीवी रेशियो इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, 30% आपका पीवी रेशियो तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो आएगा आपका 70%, तो गाइज आपका बजेटेड वेरिएबल कॉस्ट आएगा 14 रुपीज, सही है बजेटेड वेरिएबल कॉस्ट आएगा 14 रुपीज, एक्चुअल में वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रहा है, जी हाँ मालिक एक्चुअल वेरिएबल कॉस्ट अगर आप चेक कर पाएंगे 5% वेंट अप, एक्चुअल वेरिएबल कॉस्ट 5% से बढ़ गया गाइस, 14 प्लस 5%, रेड पेन रेड पेन रेड पेन, आई थिंक 14.70, जी हाँ 14.70 चलेगा। अब जो चाहिए वो कैलकुलेशन आप कर सकते हो गाइस, सब कुछ हो गया है, हमें प्रॉफिट का स्टेटमेंट पूछा है बजेटेड और एक्चुअल, चलो आगे पूरा डेटा हमारे पास है, सेलिंग प्राइस से वेरिएबल कॉस्ट से कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे टोटल कंट्रीब्यूशन आएगा, फिक्स कॉस्ट लेस करेंगे प्रॉफिट आएगा, फिक्स कॉस्ट दिया है क्या, अच्छा प्रॉफिट दिया है 15% ऑफ द टोटल सेल्स, ठीक है एक काम करते हैं सर जी, फिक्स कॉस्ट का कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना, अभी हमें फिक्स कॉस्ट दिया नहीं है, फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करो गाइस आ जाएगा
वर्किंग नोट नंबर टू, फिक्स्ड कॉस्ट। वर्किंग नोट नंबर टू, फिक्स कॉस्ट। चलो जल्दी करो, फिक्स कॉस्ट कैलकुलेशन करेंगे गाइस। गाइस कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट, है ना, एकदम सिंपल फॉर्मूला है। कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। आपका कंट्रीब्यूशन कितना है? मालिक आपकी बजेटेड क्वांटिटी थी 2,40,000, कॉन्ट्रीब्यूशन था मेरा 6 रुपीज, सर सेलिंग प्राइस 20 रुपए था, वेरिएबल कॉस्ट 14 रुपीज है, तो मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा 60, या फिर पीवी रेशियो 30% था, सेल्स को पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा। जी हाँ, सो गाइज कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है परसेंटेज में दिया हुआ है, 15% ऑफ टोटल सेल्स इज योर प्रॉफिट। अच्छा टोटल सेल्स कितना आएगा? 2,40,000 क्वांटिटी आपने बेचा 20 रुपए में, ओके मल्टीप्लाइड बाय 15%, उसका 15%। जी हाँ सेल्स का 15%, ओके गाइस 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 15%, 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 6। जी हाँ मेरा जो फिक्स कॉस्ट आ रहा है वो 7,20,000 आ रहा है, प्लीज आप भी चेक कर लीजिएगा, 7,20,000, इज इट करेक्ट और नॉट? अरे भाई समझा ना, हमें प्रॉफिट का परसेंटेज दिया है, कंट्रीब्यूशन हमें पीवी रेशियो वगैरह दिया था, कंट्रीब्यूशन आ गया हमारा, तो गाइस कंट्रीब्यूशन में से अगर मैं प्रॉफिट लेस करूंगा तो आएगा मेरा फिक्स कॉस्ट। इफ यू रिमेंबर दैट चार्ट, सेल्स का दो पार्ट, सर वो चार्ट याद कीजिएगा ना, सेल्स का दो पार्ट आएगा, एक आएगा वेरिएबल कॉस्ट, एक आएगा कंट्रीब्यूशन का दो पार्ट, एक आएगा आपका फिक्स कॉस्ट और एक आएगा आपका प्रॉफिट। तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ सकता है, हमारे पास प्रॉफिट दिया हुआ था, तो कंट्रीब्यूशन में से प्रॉफिट लेस करके हमारा जो है वो फिक्स कॉस्ट आएगा। चलो इफ यू हैव कंप्लीटेड अप टू दिस पॉइंट, आगे बढ़ेंगे, लेट्स वर्कआउट गाइस प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट, जल्दी से कंप्लीट करें। अब आप खुद से कर ही सकते हो गाइस, बिल्कुल आपको कोई टाइम नहीं लगेगा ये वर्कआउट करने के लिए। पर्टिकुलर्स, बजट एंड एक्चुअल, पर्टिकुलर्स बजट एंड एक्चुअल, फाइंड सेलिंग प्राइस पर यूनिट। जी हाँ गाइस सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सो बजट है 20 एक्चुअल 18, माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट वॉज 14 रुपीज एंड 14.7, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट फटाफट से 6 रुपीज का कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा, 3.3 का कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा, सर बराबर कर रहा हूँ क्या? 18 माइनस 14.7, जी हाँ 3.3। सो क्वांटिटी बजट वॉज 2,40,000, एक्चुअल वॉज 1,50,000, सो 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 6, 14,40,000 का टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन है, जिसमें से मैं फिक्स कॉस्ट लेस करेगा, 7,20,000 रुपीज का मेरा फिक्स कॉस्ट है, सो मेरा जो प्रॉफिट आएगा 7,20,000 का ही आ रहा है मेरा प्रॉफिट, एक बार आप भी चेक कीजिएगा। सेकेंड कॉलम के अंदर आएगा 3.3 मल्टीप्लाइड बाय 1,50,000, ओ भाइयो लॉस आ रही है मेरे हिसाब से, 4,95,000 माइनस 7,20,000, एक्चुअल के अंदर बच्चों भर भर के 2,25,000 रुपीज का लॉस है। जी हाँ 2,25,000 का लॉस है, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, जी हाँ लॉस आ रही है सर एक्चुअल के अंदर, सेल भी कम हो गया है, सेलिंग प्राइस भी कम हो गया है, वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ गया है, सो रिजल्ट कॉस्ट प्रॉफिट की जगह पे लॉस आ गया। पीवी रेशियो एंड ब्रेक इवन सेल्स इन यूनिट्स एंड एक्चुअल सेल्स, चलो ठीक है ना सर जी, पीवी रेशियो यही टेबल के अंदर आगे, पीवी रेशियो इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, ये तो पता था सर जी, 0.30 ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था। नेक्स्ट सिचुएशन के अंदर गाइज आएगा आपका पीवी रेशियो 3.3 रुपीज का कॉन्ट्रीब्यूशन, 18 रुपीज का सेल है, सो 0.183333 ये आ गया आपका पीवी रेशियो। चलेगा ब्रेक इवन पॉइंट, टोटल फिक्स कॉस्ट, बीपी यूनिट्स करते हैं पहले, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। हाँ जी टोटल फिक्स कॉस्ट 7,20,000,
डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट इज 6। बच्चों 1,20,000 का आपका ब्रेक इवन पॉइंट आया। इमीडिएटली 20 रुपए से मल्टीप्लाई करते हैं, बीपी रुपीज में लिखूंगा मैं, रुपीज टर्म्स के अंदर आएगा मेरा 24 लाख। चेक करते रहिएगा 24 लाख, इज इट करेक्ट और नॉट। एक्चुअल के अंदर आप चेक करेंगे भाइयों, मेरा जो फिक्स कॉस्ट है वो 7,20,000 ही है, डिवाइडेड बाय 3.3। बच्चों मेरा जो आंसर आ रहा है वो आ रही है 2,18181.8181, ऐसे कुछ तो भी आपका आंसर आ रहा है, गलत है। कैसे गलत है सर, मेरा तो ये आंसर आ रहा है 2,18181.8181। राउंड अप कर सकते हो सर, 2,18,182। हूँ 2,18,182 मल्टीप्लाइड बाय 18 रुपीज से मल्टीप्लाई करूंगा तो 39,27,276। पीवी रेशियो का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो गलत आंसर आता है, गलत है नहीं, वो पॉइंट का डिफरेंस आएगा 39,27,272। जी हाँ, चलो कंप्लीटेड। सो सारे क्वेश्चंस जो है वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए ये पार्ट के। जी हाँ, ये दोनों क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है, एक्चुअल का ही पूछा था। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 93 पे आइएगा फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 93 पे आइएगा। यूवी लिमिटेड स्टार्टेड अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2021। इट प्रोड्यूसेस डिजाइनर लैंप्स एंड सेल्स इट्स लैंप्स एट ₹450 पर यूनिट ड्यूरिंग द क्वार्टर एंडेड 31 दिसंबर 2021। प्रोडक्शन एंड सोल्ड 12,000 यूनिट्स एंड सफर्ड अ लॉस ऑफ ₹35 पर यूनिट। ओके 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 सर, क्या क्या डेटा दिया है मैं एक बार समरी करता हूँ गाइस, मेरे लिए इजी रहता है वो। क्वेश्चन नंबर 93 में जो जो डेटा दिया था उसका समरी कर रहा हूँ। हाँ जी, सो सेलिंग प्राइस पर यूनिट 450, जी हाँ सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया है 450। सेल्स क्वांटिटी 12,000 दिया है। लॉस पर यूनिट दिया है आई थिंक सो ₹35 का लॉस है। जी हाँ ₹35 पर यूनिट का लॉस है। भाइयों मेरा जो टोटल लॉस आएगा वो चेक करेंगे हम लोग, मेरा जो टोटल लॉस आएगा 12,000 मल्टीप्लाई बाय 35 पर यूनिट का हमें कोई लेना देना नहीं है, 4,20,000 रुपए का मेरा टोटल लॉस आया। आगे ड्यूरिंग द क्वार्टर एंडेड मार्च इट प्रोड्यूस एंड सोल्ड 30,000 यूनिट्स। ओहो, ये क्वेश्चन तो हमने किया हुआ था सर जी, हमने 30,000 क्वांटिटी सेल किया एंड अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹40 पर यूनिट। ओहो, 40 रुपए का प्रॉफिट है। तो गाइज टोटल जो आएगा वो आएगा 30,000 मल्टीप्लाई बाय 40, 12 लाख रुपए का जो है वो मेरा प्रॉफिट आ रहा है। जी हाँ बच्चों, 12 लाख रुपए का जो है वो मेरा प्रॉफिट आ रहा है। यू आर रिक्वायर्ड टू फिक्स कॉस्ट पर क्वार्टर, पर क्वार्टर, वाह वाह वाह, पर क्वार्टर पूछा है। ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीज, तो गाइज ये पर क्वार्टर वगैरह नहीं दिया है, तो हम लोग एक काम करेंगे क्वार्टरली भी फाइंड कर लेंगे, पूरे साल का भी फाइंड कर लेंगे। प्रॉफिट इफ द सेल्स वॉल्यूम रीचेस 50,000 यूनिट्स इन द नेक्स्ट क्वार्टर, क्वार्टर एंडेड 30 जून 2022। भाई साहब बहुत जबरदस्त ये पार्ट था, दो पीरियड का डेटा आपको दिया हुआ है, एक क्वार्टर एंड सेकेंड क्वार्टर का डेटा आपको दिया हुआ है, तो डिफरेंस इन सेल्स क्वांटिटी डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन प्रॉफिट ये आएगा आपका। सर जी डिफरेंस इन सेल्स क्वांटिटी गलत है, आई एम सॉरी, डिफरेंस इन प्रॉफिट अपॉन डिफरेंस इन आउटपुट कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट आएगा। जी हाँ कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, सो डिफरेंस लिखो फटाफट से, डिफरेंस इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन सेल्स क्वांटिटी।
गाइस 12 लाख रुपए का प्रॉफिट हायर है, प्लस करूंगा 4,20,000 का लॉस है मालिक, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वो, बरोबर है ना? किया है ना सेम क्वेश्चन हम लोगों ने, डिवाइडेड बाय 30,000 माइनस 12,000। फटाफट से जल्दी से आंसर दीजिएगा, आपसे पूछ रही हूं। जी हाँ, 12 लाख प्लस 4,20,000 डिवाइडेड बाय आई थिंक सो 18,000। गाइस बॉयज एंड गर्ल्स, 90 रुपीज का जो है वो कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट आएगा, 90 रुपीज का जो है वो कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट आएगा। सही है गाइस, एकदम बराबर है। फिक्स कॉस्ट पर क्वार्टर, सो फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू, सर फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट अगर हमें दिया हुआ है तो कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट, कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। लेट्स चेक दैट गाइस, 30,000 क्वांटिटी मैंने सेल किया है, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट इज 90, माइनस प्रॉफिट है मेरा 12 लाख रुपए का। लेट्स चेक द आंसर, 27 लाख माइनस 12 लाख, भाई कितना, 15 लाख रुपए का फिक्स कॉस्ट है, 15 लाख रुपीज का जो है वो मेरा फिक्स कॉस्ट आ रहा है। भाई साहब बिल्कुल टेंशन ना लो, हम लोग क्रॉस चेक भी कर सकते हैं सर, पहले कॉलम के साथ ये हम लोग मैच करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब मैंने 12,000 क्वांटिटी सेल किया, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट 90 रुपीज का है, तो गाइस 10,80,000 का मेरा टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन है, उसमें से फिक्स कॉस्ट में लेस करूंगा, 15 लाख रुपए का फिक्स कॉस्ट मैंने लेस कर दिया। गाइस मेरा जो लॉस आ रहा है वो बरोबर 4,20,000 का लॉस आ रहा है, एब्सोल्युटली करेक्ट हम लोगों ने आंसर जो है वो फाइंड किया हुआ है। तो मेरा जो फिक्स कॉस्ट आ रहा है वो आ रहा है 15 लाख रुपीज का, 15 लाख रुपए का मेरा फिक्स कॉस्ट है, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सो फाइंड द ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीज, बीपी टोटल फिक्स कॉस्ट रुपीज डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट है मेरा 15 लाख रुपए का, पीवी रेशियो, पीवी रेशियो का फॉर्मूला है कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, सो 90 डिवाइडेड बाय 450। जी हाँ, 90 डिवाइडेड बाय 450, 0.20 आया ना भाई, 15 लाख डिवाइडेड बाय 0.20, 75 लाख रुपीज का जो है वो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट आता है पर क्वार्टर। जी हाँ, 75 लाख रुपीज का जो है वो प्रॉफिट मेरा आ रहा है पर क्वार्टर का। क्या बोला मैंने, ब्रेक इवन पॉइंट आ रहा है 75 लाख पर क्वार्टर का, पूरे साल का लिखना है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अच्छा 50,000 पे हमारा प्रॉफिट पूछा है, ओके। ओ भाई, ओ भाई 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 भाई, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय इज इट कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट माइनस फिक्स कॉस्ट। बच्चों मेरा सेल्स क्वांटिटी है 50,000, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट है मेरा 90, मेरी जो फिक्स कॉस्ट है वो 15 लाख रुपीज का फिक्स कॉस्ट है। जी हाँ, कितना आ रहा है गाइस, क्या मेरा प्रॉफिट 30 लाख आ रहा है? जी हाँ, मेरा जो प्रॉफिट है वो 30 लाख आ रहा है, जल्दी से कंप्लीट कीजिएगा। जी गाइस कंप्लीटेड, करेक्ट है, इतना सिंपल क्वेश्चन गाइस हमने जो ऑलरेडी नोट्स के अंदर कवर किया था वो क्वेश्चन अभी रिसेंट एग्जामिनेशन में पूछा गया था 5 मार्क्स के लिए। बढ़ेंगे आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ आते, क्वेश्चन नंबर 94 गाइस, क्वेश्चन नंबर 94 आई थिंक सो बजट टॉपिक एंड मार्जिनल कॉस्टिंग का मिला के एक कंबाइन वाला क्वेश्चन है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने ऑलरेडी बजट टॉपिक कंप्लीट नहीं किया रहेगा तो ये क्वेश्चन बजट टॉपिक के बाद आप देख सकते हो। लेट्स रीड द क्वेश्चन। एसआर लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ गारमेंट्स फॉर द 3 मंथ्स ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 22-23 कमेंसिंग ऑन 1 अप्रैल 22। ठीक है, 3 मंथ्स, 3 मंथ्स अप्रैल से जो स्टार्ट हो रहा है, विल बी कंस्ट्रेंड बाय डायरेक्ट लेबर, अंडरलाइन करो सर जी, कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट यानी लिमिटेशन,
इट इज एस्टिमेटेड दैट ओनली 12,000 आवर्स ऑफ डायरेक्ट लेबर विल बी अवेलेबल. यानी सर जी ये की फैक्टर का क्वेश्चन है. फॉर द मार्केट रीजन प्रोडक्शन ऑफ आइदर ऑफ द टू गारमेंट मस्ट बी एटलीस्ट, ओ हो, मस्ट बी एटलीस्ट 25% ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द अदर. जबरदस्त ये क्वेश्चन है. प्रोडक्शन ऑफ आइदर टू गारमेंट फॉर मार्केट रीजन, प्रोडक्शन ऑफ आइदर टू कोई भी दो गारमेंट मस्ट बी एटलीस्ट 25% ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द अदर. भाई साहब तीसरे का प्रोडक्शन के कंपैरिजन में 25% कम से कम होना ही चाहिए. एस्टिमेटेड कॉस्ट एंड रेवेन्यू पर गारमेंट आर एज फॉलो. सर माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन है. शर्ट्स एंड शॉर्ट्स, पर्टिकुलर शर्ट एंड शॉर्ट्स सेलिंग प्राइस है, मटेरियल है, फैब्रिक है, डाई कॉटन है, डायरेक्ट लेबर है, ये लिमिटेशन के अंदर है, फिक्स्ड ओवरहेड पर आवर दिया हुआ है. ठीक है. फ्रॉम द मंथ ऑफ जुलाई 22 डायरेक्ट लेबर विल बी नो लॉन्गर कंस्ट्रेंट. अच्छा जुलाई से लेबर कंस्ट्रेंट नहीं है. कंपनी एक्सपेक्ट टू एबल टू सेल 15,000 शर्ट एंड 20,000 शॉर्ट्स इन जुलाई 22. देर विल बी नो ओपनिंग स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ द जुलाई. वेरी गुड. सेल्स वॉल्यूम आर एक्सपेक्टेड टू बी ग्रो एट 10% पर मंथ क्यूमुलेटिवली क्यूमुलेटिवली देयर आफ्टर थ्रू आउट द ईयर. हर 10% क्यूमुलेटिवली क्यूमुलेटिवली जबरदस्त पॉइंट है. फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल. द कंपनी इंटेंड टू कैरी अ स्टॉक ऑफ फिनिश गारमेंट सफिशियंट टू मीट 40% ऑफ द नेक्स्ट मंथ सेल फ्रॉम द जुलाई 22. सर अगले महीने का सेल का 40% हम लोग कम से कम क्लोजिंग स्टॉक रखेंगे. सेलिंग प्राइस विल बी सेम एज अबव रिक्वायर्ड. कैलकुलेट द नंबर ऑफ शर्ट एंड शॉर्ट्स टू बी प्रोड्यूस पर मंथ इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टू मैक्सिमाइज द कंपनीज प्रॉफिट. सर ऑप्टिमम मिक्स का ये क्वेश्चन है. लिमिटेशन क्या है? तो आपके लेबर आवर्स लिमिटेशन के अंदर है और एक और कंस्ट्रेंट दिया हुआ है. मिनिमम कुछ कंस्ट्रेंट आपको दिया हुआ है कि दूसरे प्रोडक्ट के कंपेरिजन में पहला प्रोडक्ट 25% बनना ही चाहिए. प्रिपेयर द फॉलोइंग बजट इन मंथली बेसिस फॉर जुलाई ऑगस्ट एंड सेप्टेंबर का पूछा है. सेल्स बजट शोइंग द सेल्स यूनिट एंड सेल्स रेवेन्यू फॉर ईच प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन बजट फॉर ईच प्रोडक्ट. मई 22 में ये 10 मार्क्स का माइंड ब्लोइंग खतरनाक सर जी खूंखार सा क्वेश्चन है. मजा आएगा अपने को ये क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त. आपको जो है वो वापिस एक बार क्वेश्चन पढ़ना है. आई गिव यू हाफ मिनट टू रीड द क्वेश्चन अगेन. पढ़िएगा सर. हाँ जी. जो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है वो हम लोग पहले आइडेंटिफाई करेंगे. उसके कंपैरिजन में जो सेकेंड प्रोडक्ट है वो 25% बनना ही चाहिए. ठीक है. तो बहुत अच्छा सा ये क्वेश्चन है. अलग टाइप ऑफ क्वेश्चन है. मार्क इंपॉर्टेंट रिवीजन बिफोर एग्जाम. आइएगा क्वेश्चन नंबर 94 सॉल्व करते हैं. आई होप सो आपने ये पढ़ लिया है.
डन से एवरीवंस। सो राइट डाउन स्टेटमेंट शोइंग कॉन्ट्रीब्यूशन एंड रैंकिंग। जी अगर स्टेटमेंट शोइंग कॉन्ट्रीब्यूशन एंड रैंकिंग पर्टिकुलर्स, सर वो ऑप्टिमम मिक्स हम लोग अलग से करेंगे क्योंकि इक्वेशन प्रिपेयर करना पड़ेगा 25% और वो जो अनदर प्रोडक्ट है। सो सर मैं आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल, डोंट वरी। सो पर्टिकुलर शर्ट एंड शॉर्ट थोड़ा फास्ट कीजिएगा, कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना है सबसे पहले हम लोगों को, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। सेलिंग प्राइस पर यूनिट जी हाँ 60-44, 60-44 माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। फास्ट था, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट के अंदर गाइस मटेरियल है। जी हाँ मटेरियल में दो मटेरियल है, एक है आपका फैब्रिक एंड डाई। फैब्रिक 2412, 2412 एंड गाइस डाई 6 एंड 8, 6 एंड 4 आई थिंक सो। जी हाँ 6 एंड 4 है। लेबर कॉस्ट 8-4, लेबर कॉस्ट आएगा आपका 8-4, चलेगा। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बताएंगे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सर जी 60 माइनस 24 माइनस 6 माइनस 8 ₹22 का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आया। 44 माइनस 12 माइनस 4 माइनस 4 ₹24 का जो है वो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ रहा है। सो अपना सेकंड स्टेप क्या रहता है ऑप्टिमम मिक्स वाले क्वेश्चन में, सबसे पहला स्टेप है कंट्रीब्यूशन, सेकंड स्टेप है कंट्रीब्यूशन पर की फैक्टर। की फैक्टर क्या है, लेबर आवर्स आर इन लिमिटेशन, सो आई विल राइट देयर लेबर आवर्स। जी हाँ लेबर आवर्स डायरेक्टली नहीं दिया, आप बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे कि ₹8 पर आवर है और यहाँ पे ₹8 एंड ₹4 का पेमेंट किया है ना। आई शो द वर्किंग, सो 8 डिवाइडेड बाय 8 एंड 4 डिवाइडेड बाय 8। सो 1 यूनिट के लिए यहाँ पे 1 घंटा लगता है, यहाँ पे 0.5 आवर्स लगता है। सो कॉन्ट्रीब्यूशन पर आवर अगर आप चेक करेंगे 22 डिवाइडेड बाय 122, 24 डिवाइडेड बाय 0.5 48। तो सर जी मालिक रैंकिंग दीजिएगा ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन पर की फैक्टर। शर्ट इज अ सेकेंड प्रॉफिटेबल, शॉर्ट इज अ फर्स्ट प्रॉफिटेबल। जी हाँ ₹48 एंड ₹22 का जो है वो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है। सर अभी हमें, हम लोगों को अगर ये नॉर्मल क्वेश्चन रहता था तो हम लोग क्या करते थे, सबसे पहले शॉर्ट मैक्सिमम जितनी डिमांड है उतना मैन्युफैक्चर करते थे, बचा कुचा हम लोग शर्ट मैन्युफैक्चर करते थे। लेकिन सर यहाँ पे शर्ट का मिनिमम 25% होना ही चाहिए शॉर्ट की कंपेरिजन में। तो गाइज मैं एज्यूम करता हूं एज्यूम प्रोडक्शन क्वांटिटी ऑफ शॉर्ट्स एज एक्स, देयर फोर शर्ट का कितना आएगा 0.25x, 0.25x आएगा। अरे हाय ना, सही है क्या सर बोला है यहां पे, आई विल रीड दैट। ओके फॉर मार्केट रीजन प्रोडक्शन ऑफ आइदर ऑफ द टू गारमेंट मस्ट बी एटलीस्ट 25% ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ अदर। तो मेरा सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल शॉर्ट्स है, शॉर्ट्स मैन्युफैक्चर करूंगा, उसका 25% मुझे शर्ट कम से कम मैन्युफैक्चर करना ही पड़ेगा, है ना। चलेगा गाइस लेट्स वर्कआउट नाउ। देयरफोर भाई साहब 12,000 आवर्स है, बेस्ट पॉसिबल वे में यूटिलाइज करना है। शर्ट चेक करो 0.25x मल्टीप्लाइड बाय ये क्वांटिटी हो गया, 1 यूनिट मैन्युफैक्चर करने के लिए कितना आवर्स लगता है, तो गाइज आपको 1 घंटा लगता है, 1 आवर लगता है। प्लस सेकेंड सिचुएशन के अंदर शॉर्ट्स का अगर मैं कैलकुलेशन करता हूं तो एक्स
मल्टीप्लाइड बाय एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए 0.5 आवर्स लगता है गाइस, इज इक्वल टू मेरे आई थिंक सो 12,000 आवर्स टोटल कुल मिला के अवेलेबल है। सो 0.25x प्लस 0.5x इज इक्वल टू 12,000। एक्स का वैल्यू आएगा बच्चों 12,000 डिवाइडेड बाय 0.75, 15,000 आंसर आया। जी हाँ, 15,000 आंसर आ रहा है, बरोबर है क्या? एक बार चेक कीजिएगा 15,000 गाइस। चेक कीजिएगा गलत है, 16,000। 12,000 डिवाइडेड बाय 0.75, हाँ 16,000 सर, मैं ओरली किया, आई एम सॉरी। जी हाँ 16,000 मेरा आंसर आएगा। एक्स क्या है मालिक? एक्स क्या है? शॉर्ट्स की क्वांटिटी। शॉर्ट्स का जो क्वांटिटी आएगा वो आएगा 16,000। देयरफॉर शर्ट्स का जो क्वांटिटी आएगा आएगा 0.25x इज इक्वल टू गाइस 4,000 जो है वो मेरा क्वांटिटी आ गया सर। कर दिया हम लोगों ने अच्छे से सॉल्व, जबरदस्त ये क्वेश्चन था, मजा आया ये क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। जी हाँ, तो पहला क्वेश्चन जो है वो हम लोगों ने वर्कआउट कर लिया है। सेकंड क्वेश्चन चेक करते हैं, सेल्स बजट। सेल्स बजट सर जी, सेल्स इंक्रीज होते चल रहा है आपका, जुलाई अगस्त सितंबर का पूछा है सर जी सेल्स बजट। ठीक है, सो गाइज जुलाई मंथ का डेटा आपको दिया हुआ था, आगे जो है वो 10% क्यूमुलेटिव बढ़ता है ऐसे इंफॉर्मेशन दिया है। चलो गाइज लेट्स वर्कआउट सेल्स बजट। जी गाइज लेट्स वर्कआउट सेल्स बजट। पर्टिकुलर्स सर जी, दो प्रोडक्ट है, जुलाई अगस्त सितंबर का पूछा है, जुलाई अगस्त सितंबर दो प्रोडक्ट है, शर्ट शॉर्ट्स, शर्ट शॉर्ट्स, शर्ट एंड शॉर्ट्स। जी हाँ क्यूमुलेटिव बढ़ रहा है, यहां तक कंप्लीट कीजिएगा, दो लाइन लगेगा सिर्फ आगे हमें। आई होप सो कंप्लीटेड सेल्स क्वांटिटी गाइस, हमें ऑलरेडी सेल्स क्वांटिटी दिया है 15,000 और 20,000, 15,000 एंड 20,000। 10% से बढ़ गया 16,500, 10% से बढ़ गया 22,000, बरोबर है गाइस। इसके बाद अगेन क्यूमुलेटिवली 10% बढ़ेगा। अब क्यूमुलेटिवली 10% का मतलब 16,500 प्लस 10% गाइस 18,150 आपका आंसर आएगा। 22,000 प्लस 10% 24,200 आपको जो है वो कैलकुलेशन लिखना है गाइस, बाद में मुझे क्वेरी पूछेंगे आप। 15,000 प्लस 10%, 20,000 प्लस 10%, क्यूमुलेटिव वर्ड यूज किया है, 16,500 प्लस 10%, 22,000 प्लस 10%। चलिएगा, सेलिंग प्राइस पर यूनिट कॉमन है, चेंज नहीं हो रहा है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट कॉमन है, चेंज नहीं हो रहा है। 60-44, 60-44, 60-44, 60-44। चलो हो गया मालिक, टोटल सेल्स जी सर जी, टोटल सेल्स आ गया, फटाफट से चेक करेंगे। 15,000 60 मल्टीप्लाई बाय 15,000 गाइज 9 लाख आ रहा है पहले केस में, 16,500 से मल्टीप्लाई करेगा तो 9,90,000 आंसर आएगा। 18,150 से मल्टीप्लाई करेगा तो मेरा आंसर 10,89,000 आ रहा है, 10,89,000। आगे
44 मल्टीप्लाई बाय 20,000, 8,80,000 आंसर आ रहा है। 22,000 से मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर 9,68,000 आ रहा है। 24,200 से मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर 10,46, नहीं दर्शन 10,64 है वो, 10,64,800, 10,64,800 जो है वो मेरा आंसर आएगा। ओके सो ये भी हम लोगों ने जो है वो कंप्लीट कर लिया है। सेल्स बजट आ गया है, रेवेन्यू भी पूछा है, प्रोडक्शन बजट यूनिट्स में पूछा है। चलेगा गाइस, प्रोडक्शन का फॉर्मेट क्या है? सेल्स क्वांटिटी एड क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू प्रोडक्शन क्वांटिटी। चलो गिव हेडिंग प्रोडक्शन बजट। अगले महीने का सेल्स डिमांड का 40% क्लोजिंग स्टॉक के अंदर रखना पड़ेगा, ऐसे कुछ बोला गया है। चलो फटाफट से, ऐसे बोला था ना सर जी, अगले मंथ के डिमांड का 40% क्लोजिंग स्टॉक के अंदर रखना है। ये रहा देखो, सर्कल किया है, फिनिश गारमेंट अगले महीने का सेल्स का 40%। चलो सर ऊपर का ही फॉर्मेट फॉलो करेंगे। सेल्स क्वांटिटी फटाफट से फटाफट से फटाफट से कॉपी पेस्ट है। 15,000, 20,000, 16,500, 22,000, 18,150, 24,200। जी हाँ, ये आ गया है मेरा सेल्स क्वांटिटी। सेल्स क्वांटिटी के अंदर ऐड करेंगे फटाफट से क्लोजिंग स्टॉक। जी हाँ, सेल्स ऐड क्लोजिंग स्टॉक अगले महीने की डिमांड का 40%। सो 16,500 मल्टीप्लाइड बाय 40%, 22,000 मल्टीप्लाइड बाय 40%, 18,150 मल्टीप्लाइड बाय 40%, 24,200 मल्टीप्लाई बाय 40%। सर आखिरी वाला जबरदस्त वाला पार्ट आपके लिए मैंने पेंडिंग रखा हुआ है, देखते कितना लोग आंसर देंगे। 0.40 मल्टीप्लाई बाय 16,500, 6,600 आ रहा है सर जी मेरा आंसर। 22,000 अगर मैं लेता हूँ आंसर आ रहा है मेरा 8,800। 16,500 के बाद आ रहा 18,150 अगर मैं लेता हूँ, 7,260 आंसर है। जी हाँ 7,260 बरोबर है क्या, एक बार चेक कीजिएगा। 24,200 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 9,680 आंसर आएगा। सर मैं पूरा ब्लैंक हूँ, सितंबर के अंदर कितना स्टॉक रहेगा? मैं पूरा ब्लैंक हूँ, सितंबर के अंदर कितना स्टॉक रहेगा? तो सर उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अक्टूबर का डिमांड फाइंड करना पड़ेगा। अच्छा अक्टूबर में कितना डिमांड रहेगा? ओ भाई साहब, अक्टूबर के अंदर डिमांड कितना रहेगा ये तो बहुत जबरदस्त वाला पार्ट है। 18,150 प्लस सर क्यूमुलेटिव बढ़ रहा है ना 10% से, और उसका 40% मुझे लेना पड़ेगा। और नेक्स्ट सिचुएशन में 24,200 प्लस 10% से क्यूमुलेटिवली बढ़ रहा है और उसका 40% मुझे लेना पड़ेगा। सर समझ में आया? सितंबर के बाद क्या आएगा? अक्टूबर, है ना? अक्टूबर के अंदर 10% बढ़ेगा सितंबर के कंपैरिजन के अंदर। चलो सो 18,150 प्लस 10% मल्टीप्लाइड बाय 40% गाइस 7,986 आंसर आया मेरा। 7,986 आंसर आ रहा है। 24,200 प्लस 10% मल्टीप्लाइड बाय 40% गाइज 10,648 आंसर आ रहा है। जबरदस्त माइनस ओपनिंग स्टॉक। अरे भाई झेपा ना। जी हाँ माइनस ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक चेक करो कितना है। जी हाँ ओपनिंग स्टॉक गाइस जुलाई मंथ के अंदर तो कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं क्योंकि जून में क्लोजिंग स्टॉक कुछ भी नहीं था। सो अगस्त में क्लोजिंग स्टॉक कितना रहेगा? ओपनिंग स्टॉक सॉरी, सो जुलाई का क्लोजिंग स्टॉक 6,600, 8,800, 7,260। ओ भाई टू किधर गया तेरा? 7,260 एंड 9,680। चलेगा सर जी, आ गया मेरा प्रोडक्शन। जी हाँ फटाफट से प्रोडक्शन बजट 15,000 प्लस 6,600 गाइस 21,600 आंसर आ रहा है। 20,000 प्लस 8,800, वाह दर्शन इसके लिए कैलसी यूज कर रहा है तू, वाह शाबाश। 28,800 आंसर आ रहा है। 16,500 प्लस 7,260 अगर मैं लेता हूँ तो 23,760 आंसर आया। दर्शन माइनस कौन करेगा 6,600? गुड मॉर्निंग, 17,160 जो है वो मेरा आंसर आ रहा है बराबर है, एक बार चेक कीजिएगा।
22,000 प्लस 9,680 माइनस 8,800, गाइज मेरा जो आंसर आ रहा है वो 22,880। जी हाँ, 22,880 जो है वो मेरा आंसर है। 18,150 प्लस 7,986 माइनस 7,260, गाइज मेरा आंसर 18,876 है। आगे लास्ट कॉलम के अंदर आएगा 24,200 प्लस 10,648 माइनस 9,680, अगर मैं लेता हूँ 25,168 आंसर आएगा। जी हाँ, सो गाइस सितंबर में अक्टूबर के सेल का 40% क्लोजिंग स्टॉक रखा, अक्टूबर का सेल कितना होएगा तो सितंबर में 10% क्यूमुलेटिव ऐड कर दिया, अक्टूबर का सेल आ जाएगा और अल्टीमेटली आपका जो है आंसर आ गया। राइट गाइस, सो हियर वी कंप्लीटेड ऑल द पेंडिंग क्वेश्चंस ऑफ दिस टॉपिक। ठीक है, जैसे मैंने लेक्चर के अंदर इंस्ट्रक्शन दिया था, इसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो मैं सीए फाइनल लेवल की कुछ क्वेश्चंस है वो एक्स्ट्रा करवाऊंगा। ठीक है, वो भी एक लेक्चर आपको, इफ यू थिंक दैट आपको थोड़ा और कवर करना है और सर जी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन कवर करने हैं, तो मैं एक लेक्चर जो है वो सीए फाइनल का क्वेश्चन का भी इसके अंदर मैं ऐड करवा दूंगा। ठीक है, ये ऑप्शनल है, इफ यू विश यू कैन डू दैट। सो थैंक यू सो मच गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर ऑल गाइज।